नमस्ते, मैं हूं पाल रोहतगी। कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि कैसे रफाल डील जो मोदी सरकार के नेतृत्व में हुई थी, दैट वाज अ कॉम्प्रोमाइज्ड डील एज पर न्यूज आउटलेट्स जो मोदी विरोधी एजेंडा फैलाते हैं। ये भी सुनने में आया है कि फ्रांस के अंदर एक फ्रेंच जज ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी है अगेंस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। अब सच क्या है ये तो समय बताएगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस मैटर। मगर एक दूसरी न्यूज मैंने सुनी है कि जावेद अख्तर ने एलेज किया है कि कंगना रनावत ने फैक्ट्स को सप्रेस किया है इन द पासपोर्ट प्ली दैट शी हैड अप्लाइड फॉर हर रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट। नाउ जावेद अख्तर साहब, आपने एक क्रिमिनल डिफेमेशन का केस उसके खिलाफ डाला है, फेयर इनफ, आपको भी राइट है एक भारतीय नागरिक होने के नाते टू डू वॉट यू थिंक इज करेक्ट टू प्रिवेंट योर ओन इंटरेस्ट। मगर यहां पर ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाई क्रिमिनल केसेस आर बीइंग इनिशिएटेड अगेंस्ट मोदी जी, अगेंस्ट कंगना, अगेंस्ट पायल। कहीं ना कहीं हम लोगों का कोई पिछले जन्म का कनेक्शन होगा कि एक ही समय हम तीनों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती है बाय वेरियस पीपल। ओनली टाइम विल टेल व्हाट इज आवर कनेक्शन, बिकॉज ये जन्म में तो हम एक दूसरे को मिल नहीं चुके अभी तक, बट मे बी पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होगा जिसकी वजह से वी आर गेटिंग कनेक्टेड लाइक दिस वे। All I say is let the truth prevail. वो भी जिसका सच है वो बाहर आए, because I believe सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। नमस्ते, जय हिंद।